किसान विधेयक को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन झांसी में पुलिस प्रशासन द्वारा कांग्रेसी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, जिससे उन्हें भगत सिंह जयंती घर पर ही मनानी पड़ी। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन एक दिन पहले ही पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ आदि नेता सम्मिलित हैं। प्रदीप जैन ने बताया कि आज हम सभी को घर में नजरबंद कर दिया गया है, ये किसी प्रकार से जायज नहीं है। मजबूरन आज हम लोग अपने घरों में भगत सिंह जयंती मना रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार निजीकरण पर जोर दे रही है। किसान विधेयक के चलते किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी और किसान बड़े बड़े व्यापारियों के दरवाजों पर खड़े दिखाई देंगे। हम लोगों को काल कोठरी में डाल दिया गया, हमारे घरों को ही जेल बना दिया गया। ऐसे में हम लोगों को हाउस अरेस्ट करना, जब हम शांति पूर्वक लखनऊ जा रहे, सीमित संख्या में हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, तो घरों में रोकना, ये कौन सी इंडियन पेनल कोड की धारा है कि आप किसी व्यक्ति को और खासतौर से जो जनप्रतिनिधि है उनको आप घर में कैसे रोक सकते हैं? ये अंग्रेज भी नहीं कर पाते थे। कोई धारा ऐसी नहीं है। अगर हम लखनऊ जाएं, लखनऊ में हम 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, आप वहां गिरफ्तार करिए। हम लखनऊ में अगर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, आप उसका करिए, लेकिन घर के अंदर सिंगल हम बैठे, वशिष्ठ जी बैठे या रेजा जी बैठे, जितेन भाई बैठे हमारे, इम्तियाज भाई, सुलेमान भाई, रघुराज भाई हमारे, अनिल भाई, अगर 5-10 आदमी हम लोग जा रहे और अपने प्रोटोकॉल से जा रहे तो उस पर कोई धारा नहीं बनती। और उसके बाद जब आज प्रदर्शन भी हो गया, फिर भी पुलिस को यहाँ बिठाए हैं। हमारी इन पुलिस वालों से लड़ाई नहीं है, लेकिन व्यवस्था से लड़ाई है। क्यों बैठे हैं जी अभी तक? ये शरीफों का मोहल्ला है और कोई हम गुंडे बदमाश नहीं है कि जिस तरह से आतंकित करके घरों में, और ये एक बार और हर बार ये करना कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। हम किसानों की लड़ाई के लिए। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।